और आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां हरियाणा में बदलेंगे समीकरण। भाजपा, जजपा, इनेलो, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कौन सी पार्टी मार सकती है बाजी। शांत नजर आ रही हरियाणा की राजनीति में फिर से लहर उठ रही है। लहरें दोनों ओर, सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में भी। सत्तारूढ़ भाजपा जजपा गठबंधन में परस्पर कटाक्ष अब ज्यादा मुखर होने लगे हैं। अचानक राज्य प्रभारी बदले जाने से कांग्रेस की राजनीति भी गर्मा गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत पाने से चूक गई थी। 90 संसदीय विधानसभा में 40 सीटें मिली थी, जबकि मुख्य विपक्षी कांग्रेस को 31। त्रिशंकु विधानसभा का बड़ा कारण नए राजनीतिक दल जजपा को माना जा रहा है, जिसने अप्रत्याशित रूप से 10 सीटें जीतकर अपने चुनावी चिन्ह चाबी को सत्ता की चाबी में तब्दील कर लिया। बेशक 8 निर्दलियों के अलावा हरियाणा लोक हित पार्टी के गोपाल कांडा भी जीते। जाहिर है कि सबसे बड़े दल के नाते भाजपा सत्ता में हिस्सेदारी के लिए ललायत निर्दलियों के समर्थन से भी सरकार बना सकती थी, लेकिन स्थिरता का संदेश देने के लिए जजपा से गठबंधन को बेहतर विकल्प माना। कहा भी जाए तो गठबंधन सत्ता में भागीदारी के लिए ही किए जाते हैं, इसलिए आश्चर्य नहीं है कि जजपा नेता दुष्यंत चौटाला को मनोहर लाल सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाते हुए भारी भरकम मंत्रालय भी दिए गए। बाद में जजपा के दो और विधायकों देवेंद्र बबली और अनूप धानो को भी मंत्री बनाया गया। कुछ को निगम और बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर एडजस्ट किया गया। दोनों दलों के अपने चुनावी घोषणा पत्रों के आधार पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी तय किया। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जनाधार के अंत विरोध और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब जब उभरी है। किसान आंदोलन से लेकर वृद्धावस्था पेंशन तक जजपा के अलग सुर में बोलती नजर आई, तो निजी उद्योग में स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का श्रेय लेने की ओर दोनों दलों में नजर आई। कोरोना काल में शराब से लेकर रजिस्ट्री तक में हुए कथित घोटाले दुष्यंत चौटाला के विभाग से जुड़े रहे, इसलिए भी दोनों दलों के रिश्ते असहज होते गए। शराब जो घोटाले पर आबकारी मंत्री के रूप में दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री के रूप में अनिल विज आमने सामने भी नजर आए, लेकिन गठबंधन धर्म के मर्म को महसूस करते हुए दोनों ही दलों का नेतृत्व इन सबको नजरअंदाज करता रहा। वैसे दोनों दलों का जनादारी हद तक अलग है कि उसके साथ एक साथ मतदान की संभावना नजर नहीं आती, इसलिए इसी बीच हुए स्थानीय चुनाव को भी दोनों दलों के सुर कई बार अलग अलग दिखाई दिए। यह तथ्य अभी किसी से छिपा नहीं है कि पिछली बार जजपा के टिकट पर जीते ज्यादातर विधायक मूलतः उसके नहीं है। जिन दमदार दावेदारों को उनके मूल दल से टिकट नहीं मिला, उन्होंने जजपा के टिकट पर जोर आजमाया, उनमें से कई जीत भी गए। जिनकी बदौलत पहले ही विधानसभा चुनाव में जजपा का कद इतना बढ़ गया कि दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री का पद पा गए। अब जबकि अगले चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, दोनों ही दलों को राजनीतिक रणनीति अभी से बनानी होगी। हालांकि जीत का सच सभी जानते हैं, पर पिछली बार 10 सीटें जीतने वाली जजपा अगले चुनाव में ज्यादा सीटों पर दावा करना चाहेगी, जबकि भाजपा की कोशिश अपने दम पर बहुमत पाने की होगी। ऐसा किस दल की स्वनियोजित रणनीति के अनुरूप होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। सरकार में होते हुए भी जजपा किसानों से लेकर पहलवानों तक के मुद्दों पर अलग देखने की कोशिश करती रही है, इसलिए भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार बनाने के लिए समर्थन देकर जजपा ने कोई एहसान नहीं किया, उसे इस एवज में मंत्री पद दिए गए। यह भी है कि जजपा के बिना भी सरकार चल सकती थी। भाजपा के हरियाणा प्रभारी विप्लव देव से निर्दलीय विधायकों की मुलाकात से संभावित विकल्प रणनीति का संदेश स्पष्ट और मुखर भी कर दिया गया। वीरेंद्र सिंह के बयान को भी अवाही नहीं माना जा सकता कि जजपा के 7 विधायक उनके संपर्क में, जिन्हें कभी भी भाजपा में शामिल कराया जा सकता है। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की राजनीति फिर गरमाने के आसार पर है। संतुलन की कवायद करते करते कांग्रेस आलाकमान ने साल भर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा में फ्री हैंड कर रखा है। वह स्वयं नेता प्रतिपक्ष है, तो उन्हीं की पसंद के उदयभान प्रदेश अध्यक्ष है। फिर भी इसी बीच पर्याप्त मतों के बावजूद कांग्रेस का राज्यसभा उम्मीदवार हार गया। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई भाजपा में चले गए और प्रदेश संगठन है कि आज तक नहीं बन पाया। जिस गुट का भी प्रदेश अध्यक्ष होता है, वह चैतो को भरना चाहता है जिसका दूसरे गुट विरोध करते हैं। नतीजन संगठन लटक जाता है। पिछले 9 साल की यही कहानी है। अब शक्ति सिंह गोहिल की जगह जिस तरह दीपक बाबरिया को प्रभारी बनाया गया है, उसे एक संगठन वे गठन के प्रति गंभीरता माना जा रहा है। यह भी पहले हिमाचल और कर्नाटक की सत्ता भाजपा से छीनने से बड़े आत्मविश्वास से लवरेज आलाकमान अब किसी
क्षेत्र पार्टी को अपने राज्य में मनमाने की छूट नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो हरियाणा कांग्रेस को प्रदेश संगठन तो मिलेगा ही, इसके आंतरिक समीकरण भी बदलेंगे। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के समर्थक नेता कार्यकर्ताओं को भी संगठन में सम्मानजनक ढंग से समूहित करना होगा। सभी सत्तारूढ़ दल रहे चाहे नैलो हो, इन पार्टी और परिवार में टूट के बाद अभय सिंह चौटाला सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा से नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली और पंजाब जीत चुकी आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में गंभीर चुनावी दाव लगाने की तैयारी में। आपकी क्या राय, आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।